Let's start with the next question of example 2.4. If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar, given Hadron's constant. Kitna constant diya hua hai? 76.48. अच्छा, how many millimoles find करना है हमें? मतलब हमें इन शॉर्ट मोल्स फाइंड करना है. किस किन मोल्स फाइंड करने हैं? नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो मोल्स फाइंड करने के लिए मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. और साथ ही साथ ये पानी के अंदर डिजॉल्व है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? वाटर के. फाइन. अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है हमें निकालने हैं. तो वी नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. वाटर यहाँ पर कितना प्रेजेंट है? 1 लीटर. तो लीटर में है, हमें इसके मोल्स चाहिए, है ना. तो यहाँ पर मोल्स अगर निकालने हैं वाटर के, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ये किसका चल रहा है? वाटर के लिए. वाटर के लिए गिवन मास नहीं पता, ठीक है, बिकॉज ग्राम्स में हमें चाहिए, गिवन मास नहीं पता. और यहाँ 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है. Now we know that density is equal to mass upon volume. यहाँ पर density water की इतनी होती है, 1 होती है, 1 gram per cm³. ये हो गया अपना mass find करना है. और volume कितना दिया है? 1 liter. 1 liter दिया है, इसको हम किस में convert कर दें? ml में. ठीक है, तो finally जो mass of water आएगा, जो हमारा given mass आएगा, that would come about 1000 grams. ठीक है, तो यहाँ number of moles के बाद आप लिख देंगे 1000. और मॉलिक्यूलर मास वाटर कितना होता है? H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 हाइड्रोजन है, उनका मास 1 है, प्लस ऑक्सीजन एक ही, उसका मास 16 होता है. तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 18. ठीक है, तो 1000 अपॉन 18 कम्स आउट टू बी 55.55. ये आ गए मोल्स ऑफ वाटर के. ठीक है, अभी फिलहाल मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 भी चाहिए, बट हमारे पास जो है फॉर्मूला भी है हेनरीज लॉ का, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू KH, हेनरीज कांस्टेंट. ठीक है, अब यहाँ मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन KH. कितना पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है? पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 0.987 bars. तो यहाँ लिख देता हूँ 0.987 bars. ठीक है, KH का वैल्यू जो है वो किलो बार में दिया है, इसको बार में कन्वर्ट करना है. सो 76.48 इंटू क्या कर देंगे? 1000. ठीक है, सो व्हेन यू सॉल्व दिस, इसका जो मोल फ्रैक्शन आएंगे, इट कम्स आउट टू बी 1.29 इंटू 10^-5. ठीक है, तो ये अपने मोल फ्रैक्शन आ गए. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मिल गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मिल गया. ठीक है, अब ये फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना. सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला, यू गेट, यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. सो 1.29 इंटू 10^-5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आया? 55.55. ठीक है, तो व्हेन यू सी इट, यहाँ पर जो है मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन के बहुत कम है. कैसे बहुत कम है? देखो यहाँ पर 10^-5 की वैल्यू है. 10^-5 मतलब बहुत कम वैल्यू है. ठीक है, तो इसके मोल्स जो है हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज 55.55 ये मोल्स ऑफ वाटर है. ये वैल्यू बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू जो मोल्स आएंगे नाइट्रोजन के, बिकॉज यहाँ मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बहुत लेस है. तो इसमें आप जो है नाइट्रोजन के मोल्स है उसको आप इग्नोर कर दोगे. ठीक है, इग्नोरेंस के बाद क्या जाएगा? 1.29 इंटू 10^-5 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ N2 अपॉन 55.55. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आएंगे, इट कम्स आउट टू बी 7.16 इंटू 10^-4. ठीक है,
बट हमें आंसर किस में चाहिए, मिली मोल्स में चाहिए, मिली मोल्स में आंसर चाहिए। अब वन मोल जो है वो कितना मिली मोल होता है, 1000 मिली मोल्स होता है, ठीक है। यहाँ पर कितने मोल्स आए, यहाँ पर मोल्स आए 7.16 × 10⁻⁴, ये हमारे मोल्स आए, ठीक है। कितने मिली मोल्स होगा, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा इट कम्स आउट टू बी 71.59 × 10⁻², मिली मोल्स इज अवर फाइनल आंसर।